हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 83 में आपको क्या लगता है दो लाइट वेव्स किसी स्क्रीन पर अगर जाकर मिलती हैं तो क्या वहां पर अंधेरा हो सकता है जनरली हम तो यही सोचते हैं कि किसी जगह पर लाइट रेस जितना ज्यादा आकर फोकस करेंगी वहां पर उतनी ज्यादा रोशनी होगी देन हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट अ डार्क रीजन इम्पॉसिबल है ना बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू इसे समझने के लिए एक दूसरे की ओर आगे बढ़ रही इन वेव्स को देखिए जिस पॉइंट पर ये वेव्स मिल रही हैं वहां पर ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे रही हैं मानो कोई वेव एग्जिस्ट ही ना कर रही हो आपको पता है दो वेव्स का इस तरह मिलना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है इसका मतलब दो लाइट वेव्स भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर सकती हैं बिल्कुल लेकिन कैसे चलिए समझते हैं यू सी किसी प्रोपागेटिंग लाइट वेव के लीडिंग एज को वेब फ्रंट कहा जाता है जो बेसिकली ये दिखाता है कि कोई लाइट वेव किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है इन जनरल आप ये कह सकते हो वेब फ्रंट एक ऐसा सरफेस है जो किसी वेव के सभी एक समान फेज वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करता है आगे साल 1678 में डच साइंटिस्ट क्रिश्चियन हाइगन ने बताया कि किसी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स के जनरेशन के लिए एक नए सोर्स के जैसा काम करता है एंड यू नो इन्हीं के कंबाइंड इफेक्ट से ही आगे बनने वाले वेव फ्रंट्स का शेप भी डिसाइड होता है इस एक्सप्लेनेशन को हाइगन्स प्रिंसिपल कहा जाता है जिससे हमें वेव के प्रोपागेशन और उनकी बेंडिंग को समझने में मदद मिलती है नेक्स्ट जब दो वेव्स किसी पॉइंट पर आकर मिलते हैं तो उस फिनामिना को इंटरफेरेंस कहते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस ये इंटरफेरेंस मेनली दो प्रकार के हो सकते हैं नंबर वन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड नंबर टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अब अगर दो वेव्स के फेज में क्या डिफरेंस है इसे जानना है तो उसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन की मदद लेनी होगी जिसमें जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है पाथ डिफरेंस मतलब दो वेव्स द्वारा तय किए गए रास्तों के बीच का डिफरेंस जिसे आप बेसिक जियोमेट्री की मदद से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो नाउ अंडरस्टैंड जब कभी दो वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस होता है तो उनके रिजल्टेंट इंटेंसिटी को इस एक्सप्रेशन की मदद से कैलकुलेट किया जाता है विच इंप्लाइज जब दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस लैमडा टू लैमडा थ्री लैमडा या इस ऑर्डर का हो तो वहां पर इंटेंसिटीज विल एडअप और उस जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन होगा और बिल्कुल इसका उल्टा जब दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस बाई टू थ्रीडा बाई टू या फाइव लैमडा बाई टू के ऑर्डर का हो तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क रीजन्स का फॉर्मेशन होगा अभी तक हमने जिन को समझा है उन्हें ध्यान में रखकर चलिए नाइनटीन सेंचुरी के उस ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं जिसने ग्रेट आइजक न्यूटन के ऑर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट को भी चैलेंज कर दिया था जी हां यहां पर हम थॉमस यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में वेरी स्मार्टली एक मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम को पहले एक टाइनी होल के थ्रू पास कराया गया था, सो so दैट उनके बीच कोई फेस डिफरेंस ना रहे आगे इस लाइट बीम को एक बैरियर में लगे दो स्लिट्स के थ्रू पास कराया गया इंटरेस्टिंगली इन दोनों स्लिट्स को बहुत ही पास पास रखा गया था So that, वो secondary waves के source के जैसा काम करने लगे आपको पता है जब इन बीम्स के इंटरफेरेंस को एक screen पर पर किया गया, तो वहां पर alternate dark और bright fringes का एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम वॉज वेरी अस्टॉन्डिंग क्योंकि किसी ने भी दो लाइट वेव्स के मीटिंग पॉइंट पर अंधेरा होगा ऐसा कभी नहीं सोचा था यू कैन गेस जहां पर लाइट वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था वहां पर ब्राइट फ्रिंज और जहां पर दो लाइट वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था वहां पर डार्क रीजन का फॉर्मेशन हो रहा होगा है कि नहीं अगर स्क्रीन पर फोकस कर रही इन लाइट वेव्स की इंटेंसिटी को आप प्लॉट करोगे तो आपको ऐसा कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा वेरी लॉजिकली दिस इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर जो दोनों ओर ग्रेजुअली डिमिनिश होती जाती है आगे अगर आप इन फ्रिंज के विर्थ को एस्टिमेट करना चाहो तो उसके लिए आपको बेसिक ज्योमेट्री और इस एक्सप्रेशन की मदद लेनी होगी एंड यू नो स्क्रीन पर बनने वाले ये फ्रिंजेस मेनली दो प्रकार के हो सकते हैं नंबर वन स्ट्रेट लाइंस एंड नंबर टू हाइपरबोला। आपको पता है थॉमस यंग का ये डबल स्लीट एक्सपेरिमेंट द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्सिबर्ट आइनस्टाइन ने लाइट के पार्टिकल बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन किया तो हमारे लिए क्वांटम फिजिक्स की माइंड बॉगलिंग यूनिवर्स में एंटर करने का रास्ता भी खुल गया रेडिएशन और मैटर के डुअल कैरेक्टर को हमने एपिसोड 82 में डिटेल में डिस्कस किया है डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट आज हमने लाइट वेव्स के फंडामेंटल्स और उनके इंटरफेरेंस के कारण बनने वाले पैटर्न्स के बारे में जाना और समझा आने वाले सेशंस में हम लाइट वेव्स के पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन फिनोमेना को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कहीं जाइएगा मत मिलते हैं अगले हफ्ते तब तक कीप कमेंटिंग कीप शेयरिंग हैप्पी संडे Happy learning.